चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज जेनेटिक्स का। आप लोगों का चैप्टर है जिसमें आप लोगों को इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स उठा लेते हैं। इसमें आपके दो दो अलग टॉपिक्स एक ही चैप्टर में दिए हुए हैं। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग जीन्स, क्रोमोसोम्स, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसमिशन और इसके अलावा वेरिएशन हम लोग के बीच में जो आती है, ये सारी चीज़ें हम इसी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। करेक्ट। तो जेनेटिक्स हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग दो नाम सुनेंगे, इनहेरिटेंस और एक नाम सुनेंगे हम लोग वेरिएशन का। करेक्ट। तो अब ये चीज़ें क्या होती है? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हम उस ये एक ऐसी टर्म है जिसके जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके बच्चों के अंदर कैसे आते हैं। करेक्ट। और इस तरह से उनके बच्चों के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में किस तरह से जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, तो याद कह सकते हैं कि पेरेंट्स से उनके बच्चों तक जो जाता है उसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है। ओके। तो ये जो इनहेरिटेंस है ना, ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन का उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं और जो ये जो चीज़ है उसको हम लोग हेरिटी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। करेक्ट। और वेरिएशन क्या होती है? देखो, अब हम भाई बहन जो होते हैं हम सभी के सेम पेरेंट्स होते हैं लेकिन हम लोगों में भी क्या होती है? वेरिएशंस होती है ना। हम लोगों को इजीली पहचान सकता है कि भाई ये प्रिया है, ये गौरव है और ये आदर्श है। करेक्ट। तो सिब्लिंग्स के अंदर भी ये जो वेरिएशन होती है वो हमारी इनहेरिटेंस के अंदर ही आती है। वो कैसे आती है वो चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। करेक्ट। तो इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई कि कैसे एक पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे बच्चों के अंदर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी। किसी ने कहा कि भाई ये स्पॉन्टेनियस होता है, किसी ने कहा कि भाई जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे आता है कि पेनजेनेसिस थ्योरी की, पेनस्पर्मिया थ्योरी, मतलब बहुत सारी थ्योरीज दी जो जो जिसमें कोई मतलब हम लोग साइंस में जब थ्योरीज देते हैं तो उनको प्रूफ किया जाता है जब तक उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। करेक्ट। अगर वो चीज़ जब तक चल रही है ठीक है, लेकिन अगर उसको किसी ने अपोज कर दिया तो वो थ्योरी रिजेक्ट होके फिर जो नई थ्योरी, अगर उसने अपोज किया तो फिर वो अपनी बात बताए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कई साइंटिस्ट ने कहा कि जो मीटिंग होती है पेरेंट्स के बीच में उस टाइम पर कुछ स्पोर्स कह सकते हैं या प्रोपिग्यूल्स होते हैं वो यूनाइट कर जाते हैं और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म आता है। किसी ने कहा कि स्पर्म के अंदर एक मिनिएचर फॉर्म में रहती है लाइफ और उसके बाद बस वो डेवलपमेंट या ग्रोथ शो करते हैं। बट इन थ्योरीज के पीछे कोई बेसिक लॉजिक नहीं था इसलिए इन थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आए हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने थ्योरी दी। करेक्ट। इनकी थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि इन्होंने जब ये थ्योरी दी थी ना और जब पब्लिश की तो इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हम आज के टाइम पे इन्हीं की थ्योरीज को मानते हैं। हम जो मेंडल है इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम इनको ऑनर देते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स मतलब जो पुरानी जेनेटिक्स थी, लेकिन इनको ये बात पता ही नहीं है। इनको तो मरे हुए भी लगभग 14 ईयर्स के अराउंड हो गया था जब इनकी थ्योरी को रिकोगनीशन मिला था, क्योंकि जब इन्होंने थ्योरी दी थी तब तो उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी कि भाई नहीं, आपकी थ्योरी में दम ही नहीं है, हम आपकी थ्योरी नहीं मानते। फिर उसके बाद जब ये मर गए उसके भी कुछ सालों बाद जाके तब इनकी थ्योरी को कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि भाई बंदे ने कुछ बात तो ठीक बोल रखी है, दम तो है बंदे की बात में, चलो। फिर उन्होंने इस उनकी थ्योरी को फिर मॉडिफाई किया और तब जाके फिर हम इनको ऑनर में इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी। अब फिर इनकी थ्योरी को रिजेक्ट क्यों किया गया? इसके भी रीजंस हैं। करेक्ट। क्योंकि जो मेंडल थे ना इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैथमेटिक्स यूज कर दी। अभी जो हम बायोलॉजी वाले लोग होते हैं ना वो जनरली मैथ्स से थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस बना के रखते हैं कि भैया मैथ्स से हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमारा तो थ्योरेटिकल वर्ड है और भैया हम उसी में खुश हैं। करेक्ट। लेकिन इसने अपनी थ्योरी में, इसने बायोलॉजी में स्टैटिक्स ले आया भैया, मैथमेटिक्स ले आया भाई, कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह कर दी।
तो उस टाइम के जब साइंटिस्ट ने देखा कि भाई अच्छा नहीं नहीं ये भाई हमारे ये हमारे फील्ड का है ही नहीं, इसकी थ्योरी में मत मानो। दूसरा रीज़न क्या था कि कई बार क्या होता है ना कि आप लोग देखते होंगे कि कोई अगर इंसान अपनी बात बोलता है, गलत बोल रहा हो लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज़ोर से बोल दे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए तो हम ये होता है हाँ ठीक है भाई तू ठीक बोल रहा है, ठीक है मतलब थोड़ा अगर वो एग्रेसिव हो जाता है तो उसकी बात को मानना भी पड़ जाता है कई बार। इसका नेचर ऐसा नहीं था, इसका नेचर बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था, करेक्ट। तीसरा रीज़न क्या था कि उस टाइम पर आप लोगों ने हम एवोल्यूशन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डार्विन का नाम सुनेंगे, हम लोग नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी दी थी और उस टाइम पर इस डार्विन की नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी ने डंका बजा के रखा हुआ था बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, करेक्ट। तो उस टाइम पर इसी की थ्योरी गा रहे थे सब लोग कि भैया ऐसे ऐसे डार्विन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी। तो वैसे अब एक हो इंटरनेशनल खिलाड़ी और एक हो बेचारा गाँव का खिलाड़ी, तो किसको पूछा जाएगा? इंटरनेशनल खिलाड़ी को ही सब कंधे पे बिठा के नाचेंगे, बेचारा गांव का खिलाड़ी तो साइड में रखा रह जाएगा, करेक्ट। तो यही चीज थी। और एक और रीजन क्या था जो पब्लिकेशन था इसका, हम लोग जब साइंटिस्ट जब काम करते हैं तो जब उनका कोई काम होता है ना तो वो जर्नल में अपना पब्लिकेशन देते हैं, पब्लिश कराते हैं अपनी जो थ्योरी होती है। तो भाई एक तो न्यूज़पेपर है हमारा जो पहुंचा हुआ नेशनल लेवल का है, ठीक है भाई जैसे आज तक हो गया, करेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। और एक हो गया कौन सा टोटल टीवी हो गया, वो रीजनल एक दो चैनल्स पे कोई देखता होगा, वो भी अगर कई बार ऐसा होता है कि चल आज तक पे ऐड आ गया चल ठीक है चल टोटल टीवी पे लगा लेते हैं, ऐसा वाला सिस्टम होता है। तो वही चीज़ है कि भाई एक जर्नल जो है तो उसने जो जर्नल जिसमें पब्लिकेशन दी थी वो कैसा था, रीजनल था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जिस जर्नल में उसने अपनी पब्लिकेशन कराई थी, तो इसलिए उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा लोगों तक वैसे नहीं पहुँच पाई। तो भैया उसकी जो थ्योरी थी वो चली गई ठंडे बस्ते में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि उसने अपनी थ्योरी में ऐसा कहा क्या कि उसकी थ्योरी को दोबारा रीडिस्कवर कर दिया, रीमोडिफाई करके प्रेजेंट कर दिया और उसको जेनेटिक्स का फादर बता दिया, वो हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, करेक्ट। चलिए ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।